जब पांडवों का तृतीय सर्ग है ये रश्मि रथी का, और जब देखिए आधे से लोगों ने तो पढ़ी कितने लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी है, देखिए क्या बात है। तो ये तृतीय सर्ग है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूं और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए, तो वो क्या कहते हैं उस बात को मैं, जो दिनकर जी ने कहा है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा कर बांध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल मुझमें लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधि बंद को घेरे है मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृघ हूं तो दृश्य अकांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर साधने हा हा दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां उसमें तू है, और मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अमर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, ओ पड़ जाती मेरी चित्र दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वैनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायश्रगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के टूटेंगे। अगली लाइन क्या है आपको याद? विश्वाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।
वाचन वाचन की अशुद्धियों के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगर कोई अशुद्धि प्रवाह में निकल गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके सबसे करीब यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे रोंगटे इस वक्त खड़े हो गए हैं। आप में से जिस जिस के रोंगटे इस वक्त खड़े हुए, एक स्टैंडिंग ओवेशन इस रचना के लिए, सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए और फिर आशुतोष राणा जी के लिए। जिस अंदाज में इस कविता को यहाँ पर इस मंच में आपने जीवित किया, ये अनुभव हम यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे।